फ्रेंड्स, आज मैं पची हुई ब्रेड से एक बहुत ही मजेदार और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही इजीली बन जाती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स विद श्रुति। मैंने यहाँ पर पैन में एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड किया है एक बड़ा चम्मच सरसों के दाने, 2-3 खड़ी लाल मिर्च, 6-7 कड़ी पत्ता। इन सभी चीजों को कुछ सेकंड्स के लिए भून लें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक बड़ा चम्मच चने की दाल, एक बड़ा चम्मच उड़द की दाल। इन दोनों चीजों को आप कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। प्याज को हम लो मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कटे हुए टमाटर। इसको हमको लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए अच्छे से ढक करके पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। फ्रेंड्स, आपको गैस को बिल्कुल लो ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा कप दही का। दही को मैंने अच्छे से पहले ही फेंट लिया था, ऐसा करने से दही बिल्कुल भी फटता नहीं है। मैंने इसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच पानी का। ऐसा करने से आपका ब्रेड उपमा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बची हुई ब्रेड। ये करीबन 6-7 ब्रेड होंगी, जिसके किनारों को मैंने हटा दिया था और पीसेस में कट कर लिया है। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपको ब्रेड को बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस इतनी देर मिक्स करना है कि ब्रेड में मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसे गार्निश करेंगे फ्रेश धनिया से। और ये देखिए फ्रेंड्स, मजेदार ब्रेड उपमा बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और जरूर बना करके देखें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।